हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2020 की एज लिमिट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बच्चों के बीच में काफ़ी सारा डाउट बना हुआ है कि इसकी जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है, मतलब आपकी एज क्या है, क्या अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। इसके अलावा पूरी डिटेल वीडियो हमने बना रखी है नोटिफिकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर हमने समझाया है एलिजिबिलिटी वगैरह और आपका जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह, वो सब चीज़ें आप ज़रूर देखिएगा। उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फिलहाल दोस्तों, एज लिमिट की हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2002 से पहले की होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो रिलैक्सेशन होता है वो मैक्सिमम एज लिमिट में होता है, मिनिमम में ऑब्वियसली नहीं होता है। तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो अगर 1 जनवरी 2002 के बाद की है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 भी है या 2 फरवरी 2002 या 14 अप्रैल 2002 या कोई भी है, तो उस केस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों, क्योंकि दोस्तों उस केस में आपकी जो एज है वो मिनिमम 18 साल से कम हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं जनरल वालों की, ज़्यादा से ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। जो जनरल वाले स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं, उनकी जो एज है वो 2 जनवरी 1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए। जनरल वाले जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जनवरी 1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर एससी एसटी के लिए 5 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो इसका मतलब यह है कि जो एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1988 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1988 से पहले की है, 1988 से पहले की है, अगर आप एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि रिलैक्सेशन इसमें 5 साल का है। इसी तरीके से ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए 3 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1990 से पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो इसलिए उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1990 से पहले की नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, उनके लिए 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जनवरी 1983। पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1983 से पहले की नहीं होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से पीडब्ल्यूडी ओबीसी की बात करें तो उनका 13 साल तक का रिलैक्सेशन है। तो जो कैंडिडेट ऐसे हैं जो फिजिकली डिसेबल हैं और ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1980 से पहले की नहीं होनी चाहिए। 2 जनवरी 1980 हो या उसके बाद की हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, पहले की नहीं होनी चाहिए। और ये मिनिमम एज लिमिट तो सबके लिए है ही, मतलब 2 जनवरी 2002 से किसी की भी एज लिमिट नहीं होनी चाहिए, आप किसी भी कैटेगरी के हों। अगर ऐसा होगा 2 जनवरी 2002 से बाद की आपकी एज लिमिट होगी तो आप नहीं अप्लाई कर सकते, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। अब यहाँ पर जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट है उनके लिए 15 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो इस केस में जो पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनकी एज 2 जनवरी 1977 से पहले की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी एससी एसटी कैंडिडेट हैं। फिर इसी तरीके दोस्तों, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल तक का रिलैक्सेशन है और 5 साल तक का है आपका उन कैंडिडेट का जो जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल में रह चुके हैं, जम्मू एंड कश्मीर में रह चुके हैं 1 जनवरी 1980 से लेके 31 दिसंबर 1989 तक, ठीक है, उनके लिए 5 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है। डिफेंस पर्सनल जो हैं, जो डिसेबल हो गए थे किसी फॉरेन कंट्री से लड़ाई करते वक्त, उनके लिए भी 3 साल तक का रिलैक्सेशन है, तो आप 1993 से कम करते जाएंगे 5 साल 3 साल, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया है, ठीक है। फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टेलिटीज विद एनी ऑफ फॉरेन कंट्रीज और इन अ डिस्टर्ब एरिया एंड रिलीज्ड एज अ कंसिक्वेंस देयर ऑफ, ठीक है। तो अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं, डिफेंस पर्सनल, और किसी हॉस्टेलिटी, किसी इंडिसिप्लिन एक्टिविटी में किसी भी फॉरेन कंट्रीज के साथ रह चुके हैं, तो यहाँ पर 8 साल तक के लिए आपको रिलैक्सेशन है। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हैं तो वो हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर रेगुलर एंड कंटिन्यू सर्विसेज
एवन क्लोथिंग डेट फॉर रिसीप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। दोस्तों CHSL की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 10 जनवरी 2020 है। अगर उस डेट तक आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन हैं, एम्प्लॉई हैं और आपने 3 साल तक रेगुलर सर्विस दी हुई है, तो आपको 40 साल तक का इसमें रिलैक्सेशन है। ठीक है, 40 साल, 40 साल तक का मतलब है अगर आपकी एज 40 है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई अगर यही एम्प्लॉई SC ST कैटेगरी के हैं तो 45 साल तक के अगर यहाँ पे हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। विडोज, डाइवोर्स वुमेन, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, मतलब डिवोर्स वुमेन जो होती हैं, जो लॉ के द्वारा उनका डिवोर्स हो चुका है, वो भी अगर 35 ईयर तक की हैं तो अप्लाई कर सकती हैं। विदाउट डिवोर्स वुमेन अगर यही वुमेन SC ST कैटेगरी के हैं तो 40 साल तक की वुमेन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ याद रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगी जो 10th की मार्कशीट पर मेंशन होगी आपकी, वही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो ये सब दोस्तों थी एज लिमिट CHSL 2020 की। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।